लाल अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर आई सामने। डिलीवरी के वक्त बच्ची का हाथ टूटा, दर्द से अस्पताल की बिस्तर पर कराहती बच्ची। रॉ टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के बिलाल अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है और लापरवाही भी ऐसी कि जिसका खामियाजा एक मासूम बच्ची भुगत रही है जो दर्द से अस्पताल की बिस्तर पर कराह रही है। मुंब्रा के रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले सलाम शेख की पत्नी गर्भवती थी और कल यानी कि 8 अगस्त को सलाम की पत्नी को लिवर पेन शुरू हुआ, जिसके बाद बिलाल अस्पताल में इसे भर्ती किया गया और सुबह 9 से 10 बजे के बीच में इसकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के दौरान बच्ची का एक हाथ की हड्डी टूट गई। बच्ची की मां ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बच्ची की मां ने यह भी बताया है कि उनका ट्रीटमेंट बिलाल अस्पताल में चल रहा था, जो मुख्य डॉक्टर हैं मीनास डोंगरे, उन्हें ही इस महिला की डिलीवरी करनी थी, मगर कल ही डिलीवरी के वक्त डॉक्टर मीनास डोंगरे मौजूद नहीं थी और महिला की डिलीवरी डॉक्टर मीनास डोंगरे के असिस्टेंट डॉक्टर रजिया ने कराया था और डिलीवरी के वक्त ही बच्ची का एक हाथ की हड्डी टूट गई। हालांकि बच्ची के हाथ पर प्लास्टर किया गया है मगर ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। वहीं डॉक्टर रजिया ने भी बताया है कि बच्ची का वजन 4 किलो है और डिलीवरी के वक्त काफ़ी समस्या हो रही थी, ये बच्ची फंस गई थी जिसे निकालने की काफ़ी कोशिश की गई और इसी दौरान बच्ची का हाथ टूट गया, मगर कहीं ना कहीं ये अस्पताल और डॉक्टर की लापरवाही ही है कि किस तरह से आखिर ये डिलीवरी कराई गई कि बच्ची का हाथ ही टूट गया। सुनिए बच्चे की माँ ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका और आप मुंब्रा में कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मुश्तरी अब्दुल सलाम है, मुंब्रा मार्केट में रहते हैं। तो ये डिलीवरी आपकी कब हुई और जो बच्चे का हाथ टूटा हुआ है तो ये कैसे आखिर ये कैसे हुआ, क्या पूरा मामला है? ये मेरा यहाँ भी ट्रीटमेंट चालू था प्रेगनेंसी का पूरा, मीनास डोंगरे जो है गायनोलॉजिस्ट उनसे ही मेरा ट्रीटमेंट चालू था और कल मुझे लेबर पेन आया, सुबह मैं यहाँ पर आई 8 बजे, लेकिन जो मेन मीनास डोंगरे डॉक्टर थी वो तो आए ही नहीं, उनकी जगह कोई दूसरे डॉक्टर थे, डॉक्टर रजिया करके, और सिस्टर थे, सिस्टर नसरीन और एक खालमा थे। तो डिलीवरी के वक्त जो है अब मुझे तो नहीं मालूम है, मेरा जो कंडीशन था वो तो बहुत क्रिटिकली था उस वक्त। तो बच्चा डिलीवरी हुआ और फौरन वो लोग जो है बच्चे को लेके सीधा आईसीयू में भागे आगे, उसके बाद बच्चे को फौरन मेरे हाथ में दिए भी नहीं। कितनी देर के मेरे रिलेटिव्स भी सब बाहर बैठे थे इंतज़ार में कि बच्चे को आप बाहर लेकर आएंगे, तो बच्चे को बाहर भी नहीं ला रहे थे, आईसीयू में ही रखे थे। और बच्चे को 3 बजे लाए, उसके बीच में ये कहा गया कि बच्चा जो है उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब जो हड्डी का डॉक्टर आएगा वो देखेगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि कैसा क्या है फ्रैक्चर। तो जब हड्डी का डॉक्टर आया 3 बजे तो उसने देखा तो बताया कि हड्डी ब्रेक हो गई है और प्लास्टर करना पड़ेगा और 12 दिन जो है ये प्लास्टर रखना पड़ेगा। तब ये हॉस्पिटल ये डॉक्टर्स की लापरवाही है कि अगर डिलीवरी सही से करते तो बच्ची का ये हाथ का ऐसा नुकसान नहीं होता। एक तो वो लड़की बच्ची आगे फ्यूचर में अगर ऐसे ही कंडीशन बच्चा रहा, ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ तो मेरी बच्ची की लाइफ ख़राब हो जाएगी ना। तो ये अभी इन लोग को ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट सही से हो। अगर हड्डी का मसला है अगर सही होता है तो ठीक है, अगर नस का प्रॉब्लम होगा तो वो तो जल्दी अच्छा होने का चांस रहता नहीं है, कई कई साल कई कई महीने लग जाते हैं। तो हॉस्पिटल की तरफ से अभी क्या कहा गया है आपको कि इसका इलाज जो है यहाँ पर सही तरीके से किया जाएगा, इसे बेहतर किया जाएगा? अभी तो फिलहाल वो लोग सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि फ्रैक्चर है तो सिर्फ 12 दिन जो है। कुछ लिखित उखित में दिए हैं नहीं हॉस्पिटल की तरफ से? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ इतना ही बोल रहे कि 12 दिन तक तो ये फ्रैक्चर प्लास्टर रहेगा, उसके बाद जो है ठीक होगा, बस इतना ही बोल रहे और उसके आगे और वो लोग कुछ बात नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं अस्पताल और डॉक्टर की लापरवाही है जो डिलीवरी में बच्ची की हाथ की हड्डी टूट गई है। ये भी जानकारी दी गई है अस्पताल की तरफ से कि बच्ची के हाथ पर प्लास्टर किया गया है और कुछ महीने में ये बच्ची ठीक हो जाएगी, मगर इस तरह की लापरवाही से कई सवाल अस्पताल पर खड़े हो रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।